बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एमएनएम फन फैक्ट्री। और आज हम बना रहे हैं ब्लूबेरी जैम, जो कि बहुत सिंपल बहुत मजे का होगा। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रेश बेरीज ली है, इसको मैंने वॉश कर लिया बहुत अच्छे से, और ये 300 ग्राम्स है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लूबेरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि इसको हम ब्लेंड कर सकें। इसको बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। और ये जो मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी है, ये तकरीबन होगी 70 या 100 ग्राम होगी, तो ये इसको हम चॉप करेंगे बारीक बारीक। तो फिर शुरू करते हैं इसको पहले। तो यहां हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसको हम चॉप कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये चॉप हो जाएगी। तो जो इसके अंदर आता है ना, चंक्स आते हैं, वो बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर होता है जैम के अंदर। तो फिर हम लोग वो कब बनाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ये ब्लेंड कर दिया। अभी तक मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने ब्लूबेरीज जो है वो ब्लेंड की है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये मेरे पास पूरी 1 कप जो है चीनी है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। थोड़ी सी चीनी हम घोल लेंगे और बाकी चीनी जो है वो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा अच्छे से घुलती चली जाएगी। चंक्स मैंने अभी ऐड नहीं किए, चंक्स में इसको थोड़ी जब बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो फिर ऐड करूंगी। अरे, इसमें बहुत अच्छे से बॉईल आ गए हैं। इसी तरह इसको पकाते रहेंगे हम, और साथ ही मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी चंक्स, ये भी अच्छे से गल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से पका लेंगे। ये पक के ना गाढ़ा हो जाएगा, जैसे ही गाढ़ा होगा तब हम बताती हूँ किस पॉइंट पे ये हमें इसे निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल इसके अभी तो पकने में बहुत टाइम है, आराम आराम से ही पकेगा ये। तो ये देखिए, उस वक्त कितना पतला था और अब कितना पक के ही गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट ही इसको लगे और ये देखें गाढ़ा हो गया। इसके चंक्स वगैरह जो है वो अच्छे से इसके अंदर गल चुके हैं। मतलब वैसे इतनी बेरी तो बहुत नाजुक होती है, तो इतना ज्यादा गलाने की उसको कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन इसलिए ताकि जब आप ब्रेड के ऊपर लगाएं तो अच्छे से मतलब एक पूरा पूरा पीस ना आ रहा हो, इसलिए इसको मैंने बारीक चॉप कर उसका जो चॉप किया था इसको। और ये अब जबरदस्त सा जो है जैम हमारा तैयार हो गया, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये होना चाहिए, ये आराम से निकल रहा है ना, और देखिए लगा अभी चम्मच पे। जब आपका चम्मच पे बिल्कुल एक लेयर आ जाए अच्छी सी, उस पॉइंट पे आपने इसको बंद कर देना है और इसको अब हम यहाँ पर ठंडा होने देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा जैम बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। इसको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं और हल्की आंच पर इसको पकाना होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। और मिठास इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जो है कम या ज्यादा रख सकते हैं। मैंने इसमें मीडियम रखा है, कम वाली नहीं, मीडियम है ये। और अगर आप चाहें इसको बिल्कुल तेज करना तो आप इसको अंदर थोड़ी चीनी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मीडियम परफेक्ट साइज, परफेक्ट इसका जो मिठास है वो बिल्कुल लेवल है, बहुत जबरदस्त। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा और बनाकर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। ये बहुत इजी रेसिपी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।